हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और सितंबर 2020 में नेमार ने नाइकी के साथ अपने 15 साल की डील तोड़ दी और पूमा के साथ हाथ मिला लिया। अब ये डील इज अ बिग डील, क्योंकि ये तब साइन हुई थी जब नेमार सिर्फ 13 साल का था और उसके करियर ने उड़ान तक नहीं भरी थी। बट सिर्फ नेमार ने ही नहीं, बल्कि पिछले 6 महीनों में रैमोस, लेवांडोव्स्की, इब्राहिमोविक और स्टेरलिंग जैसे और 40 जाने माने खिलाड़ियों ने भी नाइकी को छोड़ दिया है। बट इसमें आखिर नाइकी शांत क्यों है और आखिर क्यों वो इनको जाने से रोक नहीं रहा है? क्या ये सेलिब्रिटीज खुद से नाइकी को छोड़ के जा रहे हैं या फिर ये नाइकी की कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो अमेरिका की फास्टेस्ट गर्ल मैरी चेन ने नाइकी का एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, जहां वो ये बताती है कि कैसे वो नाइकी को ज्वाइन करने के बाद इस हद तक टॉर्चर हुई कि वो मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स करने तक पहुंच गई थी और अंत में उसको मजबूरन रनिंग ट्रैक को तक छोड़ना पड़ा था। लेकिन नाइकी, इतना जाना माना ब्रांड, आखिर ऐसा क्या कर रहा है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो वेल, सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि आखिर नाइकी में चल क्या रहा है। आखिर क्यों मैरी चेन जैसे एक फास्टेस्ट एथलीट ने नाइकी को ज्वाइन करने के बाद मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स करने की ट्राई? तो वेल, इसका जवाब उन्होंने खुद ने 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में सबके सामने आके कहा। I was emotionally and physically abused by a system designed by Alberto and endorsed by Nike. जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि नाइकी में एथलीट्स को दो रूप से टॉर्चर किया जाता है। फर्स्ट इज फिजिकल टॉर्चर। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2013 में नाइकी ओरेगन प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था सो दैट वो वहाँ नाइकी के एक स्टार कोच अल्बर्टो सालाजार के अंडर पे ट्रेन होके अपने ओलंपिक्स जाने का सपना पूरा कर सके। बट ज्वाइन करके उनकी जिंदगी एकदम से बदल गई, क्योंकि नाइकी ओरेगन उनके सोच से काफी अलग था। यहाँ पे ना ही कोई प्रॉपर प्लान ट्रेनिंग होती थी, ना ही कोई प्रॉपर खाना दिया जाता था और यहाँ तक कि इस इंस्टीट्यूट के साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट भी सर्टिफाइड नहीं थे। बट हाँ, इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक चीज पे बहुत ही जोर दिया जाता था, वेट। उनको वहां पर दिन रात कंटिन्यूअसली भगाया जाता था उनका वजन कम करने के लिए। बट क्यों? ताकि ब्रांड का फेस मेंटेन रहे। अब कंटिन्यूअस वर्कआउट्स और एक लो न्यूट्रिशियस खाने की वजह से चेन की बोन डेंसिटी बहुत ही कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही छोटी मोटी चोट में भी 5 बोन फ्रैक्चर्स का शिकार हो चुकी थी। और अब इसके अलावा जो दूसरा टॉर्चर डाला जा रहा था वो था मेंटल टॉर्चर। उनके कोच अल्बर्टो वजन कम ना होने पे चेन को या फिर कोई भी एथलीट को सारी मीडिया और पूरी की पूरी टीम के सामने सरेआम जलील करते थे। और अब इन सारी चीजों के वजह से चेन मेंटली इतनी डिस्टर्ब्ड हो गई थी और इतनी स्ट्रेस्ड हो गई थी कि उनके पीरियड्स 3 साल तक डिले हो गए। बट ये तो चलो कुछ भी नहीं है इसके सामने कि चेन इतनी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी कि उन्होंने मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स तक कर लिए। और फिर एक दिन जब वो इतना सब कुछ सह ही नहीं पाई, तब उनके मॉम और डैड के कहने पर उन्होंने रेसिंग ट्रैक को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेन ने इस बात का आके सबके सामने खुलासा किया, तो उसकी वजह से अल्बर्टो को 4 साल के लिए स्पोर्ट से बैन कर दिया। After a multi-year investigation, the U.S. Anti-Doping Agency has banned Alberto Salazar from the sport for 4 years. और नाइकी के ओरेगन प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। Nike will shut down the Oregon project. Thankfully, अब चेन अपने कमबैक के लिए वापस प्रिपेयर होने लगी। लेकिन अब एक सवाल है, जब मैरी चेन ने ये सब 2019 में ही सुधार दिया था, तो फिर आखिर क्यों रिसेंटली 2020 में क्यों ऑल ऑफ अ सडन इतने सारे स्पोर्ट्समैन नाइकी को छोड़ने लगे और क्यों आखिर नाइकी उन्हें रोकने तक की कोशिश नहीं कर रहे? तो चलो फिर नेमार की कहानी से शुरू करते हैं कि आखिर क्यों नेमार ने 15 साल बाद अचानक से नाइकी को छोड़ दिया। तो वेल, इस कहानी की शुरुआत होती है तब से जब नेमार बस सिर्फ 13 साल के थे। तब नाइकी नेमार के पास बस सिर्फ इसीलिए गई थी क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में काफी लोगों का ये कहना था कि नेमार आगे चल के एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। So, उसी वजह से नाइकी ने नेमार को ये वादा किया कि वो उसे अपने फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे और मेजर एंडोर्समेंट्स भी उन्हें ही देंगे। लेकिन आज जब 15 सालों के बाद नेमार नाइकी को छोड़कर पूमा से हाथ मिला रहा है, इसके पीछे दो कारण है। पहला रीजन है पैसा। नेमार नाइकी से जो पैसे का डिमांड कर रहा था वो नाइकी उसे देने को तैयार नहीं था। एंड दूसरा रीजन है कि नेमार को किसी का भी शैडो बने रहना पसंद नहीं था। अब इसका अंदाजा हम उस बात से भी लगा सकते हैं जब नेमार ने एफसीबी को छोड़ के पीएसजी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि एफसीबी को मेजरली मेसी के नाम से जाना जाता था और उसके बाद नेमार के नाम से। एंड इसीलिए सेम गोज विद नाइकी, जहाँ पे वो रोनाल्डो के एक शैडो बने हुए थे। नाइकी का मेजर एंडोर्समेंट रोनाल्डो कर रहे थे और दूसरे नंबर पे नेमार का नाम आ रहा था, और बस इसीलिए नेमार ने पूमा को चुना ताकि वो वहां पर एक टॉप पोजीशन पे हो और उस ब्रांड का एक फेस भी बन सके। सो बेसिकली जैसे मेसी एडिडास का है, रोनाल्डो नाइकी का है, वैसे ही नेमार पूमा का फेस बनना चाहते थे। अब नेमार का रीजन तो समझ में आता है, बट अगर हाल ही में 2021 की बात करें तो बस शुरुआत के कुछ 6 महीनों में ही 40 जाने माने स्पोर्ट्समैन ने नाइकी को छोड़ दिया है। अब उन्होंने इसे क्यों छोड़ा उसका कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, पर हाँ, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाइकी क्यों शांत है। अब नाइकी इसीलिए शांत है क्योंकि उनके पास हर एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट ऑलरेडी है।
एग्जाम्पल देती हूँ। अब जब स्टेरलिंग की बात करें तो हम सबको ये पता है कि वो काफी ज्यादा फेमस है और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है, और उसी कारण से स्टेरलिंग नाइकी के काफी सारे मार्केटिंग कैंपेन्स में दिखाई दिए गए। इनफैक्ट रहीम स्टेरलिंग तो नाइकी के एक पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन भी है, जो अक्सर काफी सारे सोशल टॉपिक्स जैसे कि कलर और रेसिज्म पे बात करते हुए नजर आते हैं। बट इनके छोड़ने पर नाइकी ने उन्हें ज्यादा पैसे देकर रोकने की कोशिश इसीलिए नहीं की क्योंकि स्टेरलिंग के रिप्लेसमेंट में नाइकी के पास मार्कस राशफोर्ड है, और मार्कस भी स्टेरलिंग के तरह ही इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करते हुए नजर आते हैं। अब लेवांडोव्स्की के साथ भी यही हुआ। लेवांडोव्स्की अभी के बेस्ट स्ट्राइकर है, लेकिन जब उन्होंने नाइकी को छोड़ने की कोशिश की तब नाइकी ने उन्हें खुशी खुशी जाने दिया क्योंकि उनके पास इनका रिप्लेसमेंट अर्लिंग हैलैंड है, जो फ्यूचर में वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बन सकता है। और अगर ये स्ट्रेटेजी को अच्छे से देखा जाए तो नाइकी के पास ऑलरेडी काइलियन भी है, जो रोनाल्डो के फुटस्टेप्स पे चल सकता है, और शायद इसकी वजह से नाइकी ने कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट देकर नेमार को रोकने की कोशिश नहीं की। बट फिर भी यार चलो माना कि नाइकी के पास हर एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट है, लेकिन फिर भी जो जाने वाले प्लेयर्स है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से तो ज्यादा अच्छे खेलते हैं, ज्यादा पॉपुलर है। तो फिर आखिर क्यों नाइकी ने इन फेमस प्लेयर्स को रोकने की कोशिश नहीं की? वेल, उसके पीछे के दो कारण है। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसी इंसान पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको एक लंबे समय तक का फायदा दे, और इसीलिए नाइकी अब दो के बदले सिर्फ एक ही पे इन्वेस्ट करने लगा है, जो कंपनी को आने वाले फ्यूचर में लंबे समय तक का फायदा देगा। और फिर जो उन्हें एक लंबे समय तक का फायदा नहीं दे सकते, नाइकी उनको वैसे ही कम पे करने लगे हैं ताकि वो खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, एंड ताकि इस पर नाइकी को कोई बहस करने की भी जरूरत ना पड़े। अब दूसरा रीजन है कोविड और एज। अब फिलहाल कोविड की वजह से काफी सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स कैंसिल और पोस्टपोन हो गए, जिस वजह से अब पैसे को बचाना और उनका सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अब यही सारे बातों को ध्यान में रखते हुए नाइकी ने ये एस्टिमेट किया है कि कोविड भी ऐसे ही रहेगा और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी आने वाले 4 से 5 सालों तक ऐसे ही पोस्टपोन और कैंसिल होते रहेंगे, एंड इसीलिए तब तक अभी के सारे प्राइम वाले टॉप नॉच प्लेयर्स की एज भी 5 साल तक बढ़ जाएगी। मतलब दो चीजों का होना तो फिक्स है। पहला कि जब तक ये सारे प्लेयर्स फील्ड पे वापस उतरेंगे तब तक उनकी रिटायरमेंट की एज नजदीक आ जाएगी, एंड दूसरा कि उनकी एज के कारण फ्यूचर में आने वाले यंग प्लेयर्स के सामने अच्छे से मैच नहीं खेल पाए, इसकी वजह से मे बी वो मैच हारे। बस इन्हीं रीजन की वजह से नाइकी ने सारे प्राइम एज वाले प्लेयर्स को स्विच होने से कभी रोकने की कोशिश नहीं की और अपना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यंग प्लेयर्स पर करना शुरू कर दिया कि उन्होंने नाइकी को छोड़ा है। सो इसीलिए किंग्सली कोमैन, विलियन, थियागो अल्कांत्रा, मार्को एसेंसियो और ऐसे ही 400 स्पोर्ट्समैन को ऐसा लगता है कि उन्होंने नाइकी को छोड़ा, बट असल में अगर देखा जाए तो नाइकी ने ही दरवाजे खुले रखे थे उनके जाने के लिए। बट फिर भी यार जो स्ट्रेटेजी देखने में ऐसा लगता है कि काफी बेवकूफ स्ट्रेटेजी है, वो भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी निकलती है। मतलब देखा जाए तो कितना कुछ चलता है इन ब्रांड्स के दिमाग में जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आपको क्या लगता है, क्या नाइकी का नेमार और 40 ऐसे स्पोर्ट्समैन को छोड़ना एक विनिंग स्ट्रेटेजी है या नाइकी के लिए एक लूजिंग स्ट्रेटेजी है? फिर आपका जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। और अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करो ताकि सबको नेमार और नाइकी के बीच के रिश्ते के इस दरार के पीछे का रीजन मालूम पड़े। और अगर आपको ऐसे ही फ्लर्न यानी फन लर्निंग करके मजा आया तो मेरे चैनल गेट से फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।